आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि दिन भर में संभाल कर परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालांकि आप दुखों में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप निराशाओं में हैं, परंतु आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला है, जिस कारण आपका विश्वास टूट रहा है, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप निराश ना होएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास को आप कमजोर ना होने दें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि वो काम आपके जीवन में शुरू हो चुका है, परिस्थितियों को बदलने का काम शुरू हो चुका है। मरकुस 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे, उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा और जब उस अंजीर के पेड़ में कोई फल न पाया तो यीशु मसीह ने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और जब यीशु मसीह ने कहा तो चेले भी देख रहे थे और वे वहां से चले गए। परंतु जब दूसरे दिन वो वापस आए, उन्होंने देखा कि वो अंजीर का पेड़ पूरा सूखा हुआ है। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, देख, ये पेड़ तो सूख गया जिससे तूने कल कहा था कि तेरा फल कोई न खाने पाएगा। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा तो उस अंजीर के पेड़ के अंदर से कुछ परिवर्तन होने लगा, परंतु बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु जब वे दूसरे दिन उन्होंने देखा तब उन्हें बाहरी रूप से परिवर्तन दिखाई दिया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा ही होता है जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे समय में विश्वास रखें, क्योंकि आपके अंदर से परिवर्तन हो रहा है। हालांकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु परिवर्तन हो रहा है। यदि आप परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, दुखों में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप विश्वास रखेंगे, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आने वाले दिनों में परिवर्तन आपको बाहरी रूप से दिखाई देगा। यदि आप भरोसा रखेंगे तो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम को करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, मेरे यीशु राजा, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता। हम हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सच में भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सच में तू सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु तू अनंत काल का राजा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू करुणामय परमेश्वर है और हमें बनाने वाला सृष्टि का रचयिता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु तू अभिषिक्त है परमेश्वर, तू एक महान याजक है मेरे खुदा। तू प्रभु मृत्यु पर विजय पाने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी मुक्ति का सींग है पिता परमेश्वर, और आकाश और इस पृथ्वी को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू भेड़ों का द्वार है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ही अंत है, तू ही शुरुआत है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु, तू हमारी आशाओं को पूरी करने वाला, हमारे तरफ से पिता से विनती करने वाला परमेश्वर है, हमारी चट्टान है, हमारा स्वामी है। धन्यवाद ओ पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में हम घटे और तू बड़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर की, सच में प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते, पुत्र परमेश्वर
परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने आप को खाली करके प्रभु आज की शाम में तेरे समीप आते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, दिन भर में जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह गलती हुई है पिता परमेश्वर, हम अपने अपराधों को तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु और क्षमा मांगते हैं प्रभु कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। मेरे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल है उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु जी, आपके बेशकीमती लहू से प्रभु उन्हें ढांपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सब के संग में है, इस भाई इस बहन के संग में जो तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आप धर्मी हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा प्रभु आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सबको अपनी आग की पुतली के नाए संभालने वाले परमेश्वर हैं, विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें उत्साहित किया, और प्रभु तूने हमारे जीवन में प्रभु हमसे अभी इसी समय तूने बातचीत किया प्रभु जी, उसी समय नहीं परंतु दूसरे दिन जब चेलों ने देखा उस पेड़ में परमेश्वर उन्होंने परिवर्तन देखा कि वह बिल्कुल सूख गया था, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज की शाम में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज की शाम में तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कई समय से तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कई सालों से तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और आपने उनकी परिस्थितियों को जाना है कि वो बीमारी में है, कि वो परेशानियों में है, मुसीबतों में है, पारिवारिक समस्याओं में है, कर्जे में है, और बहुत सारे जीवन में उन्होंने अपने जीवन में दुख देखे हैं, परंतु पिता परमेश्वर परिवर्तन होना शुरू हो गया है पिता परमेश्वर, इस भाई इस बहन के जीवन में वो परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी हर एक दुख परेशानी खत्म होना स्टार्ट हो गया है, वो बीमारी हील होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि परमेश्वर आपने वो परिवर्तन इनके जीवन में करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, हर एक दुख बीमारी विपत्तियां इनके जीवन से जाना शुरू हो गई हैं, हर एक बीमारियां वो नष्ट होना शुरू हो गई है, हर एक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से नष्ट होना शुरू हो गई है परमेश्वर, वो समय आ गया है प्रभु। हाँ मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ वो समय आपने इनके जीवन में दे दिया प्रभु, जब परिवर्तन होना शुरू हो गया है, इस भाई इस बहन के जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये विश्वास से उस परिवर्तन को अपने जीवन में रिसीव करने पाए, वो समय प्रभु आ गया है प्रभु जब पिता परमेश्वर आपने प्रभु इनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है और वो स्टार्ट हो गया है, परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है प्रभु, वो सही समय पर उस परिवर्तन को अपने जीवन में देखेंगे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आप हमारे जीवनों को सवारने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दुख बीमारी विपत्तियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता यदि ये भाई बहन प्रभु जी अपने हालातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कई सालों से कई समय से, परंतु भाई इस बहन के जीवन में आंतरिक रूप से वचन कार्य कर रहा है, इनकी चंगाई इन्हें मिल रही है, इनकी जो प्रार्थना का उत्तर प्रभु जो मांग रहे हैं वो धीरे धीरे इनके जीवन में पूरा हो रहा है, धन्यवाद करते हैं पिता आपने वो पूरा कर दिया है, धन्यवाद परमेश्वर, वो उस परिवर्तन के लिए धीरज धरने पाए, विश्वास करने पाए प्रभु, ऐसा विश्वास ऐसा धीरज आप इस भाई इस बहन को दीजिए जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में पिता इस भाई इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, ये जिस किसी बात को लेकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, चिंतित हैं, विपत्ति में हैं प्रभु, परिवार में समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रभु आपने कर दिया है, परिवर्तन होना शुरू हो गया है, हालात बदलने शुरू हो गए हैं, इस भाई इस बहन के परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो कलेश होता है, जो मारपीट होता है
पिता परमेश्वर वो बदलना शुरू हो गए हैं, जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके पास परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर है, इस भाई इस बहन की प्रार्थनाओं का उत्तर है और वो आंतरिक रूप से होना शुरू हो गया है। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये भाई बहन यदि आज की शाम में जो बीमार है, यदि ये भाई बहन बीमार है, इनके परिवार में कोई बीमार है, यीशु मसीह हम उनकी बीमारियों को डांट कर आज्ञा देते हैं, चले जाओ यीशु के नाम से, हर एक बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। बीमारी हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं, निकल जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, ये कार्य होना शुरू हो गया है। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं, आपने इनके घावों का इलाज करके इन्हें हील कर दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, प्रभु आपने जो चंगाई इन्हें दे दी है, जो आंतरिक रूप से चंगाई इनके जीवन में कार्य कर रही है प्रभु, उसके लिए ये विश्वास करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि पिता परमेश्वर प्रभु जो कर्जे में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में है प्रभु परमेश्वर, लोन उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्जा उनके ऊपर बना है प्रभु, बहुत सारी बातें हैं प्रभु कि वो घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके हर एक कर्जे को, उनके हर एक लोन को, उनके हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को हम यीशु मसीह के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, आप अपने महिमामय धन से प्रभु आप इनकी घटी कमियों को पूरा कर रहे हैं। इंटरनली परमेश्वर पिता वो होना स्टार्ट हो गया है, कर्जा खत्म होना स्टार्ट हो गया है परमेश्वर पिता, इनका लोन प्रभु आपने चुका दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर जो धनी है वह हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। आमेन। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं आपने इनके कर्जे को दूर कर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके प्रभु दांत में दर्द होता है पिता परमेश्वर, जिनके हड्डियां बढ़ गई हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक दांत का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए, जो भी घाव इनके हो रखा है वो घाव यीशु मसीह नासरी के नाम से हील हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, इंटरनली ये चंगाई स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस चल रही है परमेश्वर, धन्यवाद आपने इन्हें चंगा कर दिया है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु डायलिसिस में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर हील करें प्रभु परमेश्वर, और पिता उन्हें जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद सहायता करें प्रभु जी। जिनका प्रभु कीमोथेरेपी हो रहा है परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी प्रभु चंगाई दीजिए। धन्यवाद प्रभु, इंटरनली उनके जीवन में कार्य होना स्टार्ट हो गया है, धन्यवाद परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हीलिंग कंप्लीटली आ गई है और वो अपना कार्य कर रही है, परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जो प्रभु जी अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कई समय से कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, इंटरनली परमेश्वर पिता कार्य होने लग गया है पिता परमेश्वर। आपने प्रभु इस बहन को, इस भाई को संतान की आशीषें दे दी है परमेश्वर, इनके घर परिवार में आपने इन्हें आशीषित किया एक बच्चे की आशीष देकर प्रभु, क्योंकि कार्य होना स्टार्ट हो गया है। आप विश्वास से और धीरज से उस समय का इंतजार करें जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में है अपनी शादी को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, और पिता परमेश्वर बहुत सी बातों को लेकर चिंतित है पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके हर एक डिप्रेशन को, इनकी हर एक चिंता को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। आज की शाम में जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनके जीवनों में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, क्योंकि आपका वचन कार्य करने लग गया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप इन भाई बहनों के संग में होइए प्रभु, हर एक मार्ग में आप इनकी अगुवाई करें, हर एक रास्ते में आप इनके संग संग चले प्रभु, और इनके मुश्किलों को आप आसान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमने ये बात सीखी परमेश्वर पिता, हमारे लिए परमेश्वर का वचन कार्य करने लग गया है। हाँ परमेश्वर, आपने प्रभु इस भाई इस बहन के जीवन में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया है परमेश्वर,
कर, जो बातें इनके लिए असंभव हो रही है वो आपके लिए आप संभव है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस भाई बहन को, इनके हर एक इनके परिवार को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। आज की रात में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, हर एक बुरे थॉट से, हर एक गलत विचारों से, हर एक ईवल स्पिरिट के अटैक से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आप इन्हें विश्वास में मजबूत करें, आप इन्हें धीरज धरने वाला बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इन सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन और आमेन।